हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरी लोमटे। आज हम बनाने जा रहे हैं उपवास का फरियाली हलवा। उपवास का फरियाली हलवा ऑल इन वन फरियाली आटे से बनाएंगे। इसका फरियाली हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत इजी तरीके से बन जाता है। आइए देखिए हम कैसे बनाते हैं उपवास का फरियाली हलवा। इसको बनाने के लिए हमने 1.5 कप ऑल इन वन फरियाली आटा लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम किशमिश के टुकड़े लिए हैं, 1/2 कप चीनी लिए, शक्कर लिए हमने और 1 कप दूध लिया है। आइए हम बनाते हैं उपवास का फरियाली हलवा। पैन को हमने गैस पर गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें 2-3 चम्मच घी डालेंगे। घी अच्छा गरम हो जाए फिर हम इसमें ऑल इन वन फरियाली आटा डालेंगे। एक कप और ये 1.5 कप, 1/2 कप और हमने 1.5 कप उपवास का फरियाली आटा घी में डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से घी में इस आटे को सेकेंगे। आटे को अच्छे से घी में मिक्स कर देंगे हम और अच्छे से आटे का कलर चेंज होने तक हम इसको सेकते जाएंगे। इसमें गुटली ना पड़े ये ध्यान रखें आप। अच्छे से मिक्स कर ले आटे को, इसका कलर चेंज होने तक हमें आटा सेकना है। 1-2 मिनट तक हम आटे को अच्छे से सेकेंगे घी में। ये देखिए 1-2 मिनट हमने अच्छे तरीके से आटे को घी में सेक लिया है। ये देखिए आटे सिकने की अच्छी खुशबू आ रही है और आटे का कलर भी चेंज हो गया है, गुलाबी थोड़ा रेडिश आटा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डालेंगे। जो उपवास में नमक खाता है वो ही डाले, ऑप्शनल है। जो उपवास में नमक नहीं खाता है वो इसमें नमक ना डाले। नमक डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। 1 चुटकी ही नमक डालेंगे इसमें हम। ये देखिए हमारा आटा अच्छी तरीके से सिक गया है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध भी ऑप्शनल है, मैं इस हलवे में हमेशा दूध का यूज करती हूँ ताकि इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। आप 1/2 दूध 1/2 पानी भी ले सकते हैं या फिर पूरे दूध में भी इसको बना सकते हैं हलवे को। ये देखिए हमारा दूध आटे में अच्छे से मिक्स हो गया है। दूध ऑप्शनल है, आप इसमें पानी का भी यूज कर सकते हैं, 1/2 दूध या 1/2 पानी भी ले सकते हैं। दूध डालने से हलवे का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, शक्कर मिलाएंगे। शक्कर आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं। शक्कर को भी हम इसमें अच्छे से ऐड कर लेंगे। ये देखिए शक्कर इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, इनको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम हलवे को 1-2 मिनट तक ढककर रखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हम इसका ढक्कन हटाएंगे और हलवे को अच्छे से मिक्स करेंगे, खिलाएंगे। ये लीजिए हमारा हलवा उपवास का फरियाली हलवा तैयार है। ऑल इन वन फरियाली आटे से जो हम हलवा बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए उपवास में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये लीजिए तैयार है हमारा उपवास का फरियाली हलवा, आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।